इसकी सराहतन हदीस मेरे जहन में नहीं आ रही। बाज़ उलमा ने इस पर यही फतवा दिया है कि अगर रुकने की कोई सूरत नहीं तो वो चली जाए, फिर आइंदा जब भी उसका आना हो ये उस पर कर्ज रहेगा, उसके लिए कोशिश करे कि वो दोबारा आए और ये विदा करें। जी जज़ाकुम अल्लाह। क्या हुज़ूर सर्वे कायनात के ज़माने मुबारक में नमाज में फर्ज रकअत से पहले या बाद में सुन्नतें पढ़ना थी या नहीं? ज़ाहिर बात है सुन्नतें, जब ही तो इनका नाम सुन्नतें हैं, आप भी इसे सुन्नतें कह रहे हैं तो आप भी माने बैठे हैं कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में थी। सुन्नतें बाद में तो नहीं बनती, सुन्नतें वही होती हैं जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में होती हैं। अच्छा, फिर कुछ ऐसी अहादीस भी हैं अल्लाह के रसूल ने रकअतें बताई, जैसे सुन हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 सुन्नतों का जिक्र करते हैं, आपने इनकी फजीलत बयान फरमाई। इसी तरह आपने एक और हदीस है, आपने फरमाया इज़ा उकीमत सलात ला सलात इल्ला मक्तूबा, जब तकबीर कही जाए उस वक्त कोई नमाज नहीं होती सिवाय फ़र्ज़ों के। जैसे लोग सुनते पढ़ते रहते हैं, फ़र्ज खड़े हो गए लोग सुनते पढ़ते रहते हैं, आपने इसे मना किया, इससे भी यही इशारा मिलता है कि सुनते थी अल्लाह के रसूल के दौर। जी फर्ज नमाज बाजमात में अगर दूसरी या तीसरी रकत में आदमी शामिल हो तो नमाज को पहली रकत की नीयत से शुरू करे या इमाम के पीछे नमाज जारी रखे और छूट जाने वाली रकत आखिरी रकत के तौर पर पढ़े? जब आप नमाज में शामिल हुए हैं, किसी भी चीज़ को आप शुरू करेंगे तो अलिफ से शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, इब्तिदा से शुरू करेंगे। इमाम की तीसरी है, चौथी है, पांचवी है या दसवीं है, आप ये ना पूछें ना सोचें ना देखें। अब आप जब नमाज में शामिल हो रहे हैं तो आप इब्तिदा से शामिल हो रहे हैं, ये आपकी पहली रकत है। इमाम की जौन सी भी रकत हो ये आपकी पहली रकत है और बाकी रकतें इसी तरतीब से आखिर तक चली जाएंगी। जी ये जो पाकिस्तान में रस्म कुल रस्म साता दसवां चालीसवां का खत्म दिलवाया जाता है, अगर इनको किया जाए क्या गलत है? तो लोग कहते हैं कि इस पर कुरान भी तो पढ़ा जाता है, कहाँ से आया, कहाँ से आया? वो कहाँ से आया, मुस्तशफ़ा जर्मनी में बात हो चुकी है, वो कैसेट भाई सादिक साहब से लेकर सुन लीजिएगा कि कहाँ से आया। अब ये है कि इस पर कुरान पढ़ा जाता है। देखो बहुत सारी चीज़ें दिखने में हमारी अकल के लिहाज से अच्छी होती हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, आप दूध वाले हैं और आपके यहाँ दूध की दुकान है, आपके यहाँ तो बंद डब्बे मिलते हैं शायद आपको, लेकिन आप जो लोग बाहर से पाकिस्तान इंडिया से आए हुए हैं उनको पता है वहाँ जहाँ भैंसें होती हैं वहाँ दूध के बड़े बड़े टब रखे होते हैं, उनमें दूध होता है और उसी से भर भर के लोग देते हैं। आपकी दूध की दुकान है और आपकी दुकान मक्के में है और मेरी दूध की दुकान है, मेरी दुकान कराची में है, मैं भी उसमें पानी डालता हूँ, आप भी उसमें पानी डालते हैं दूध में, लेकिन मैं कराची का पानी डालता हूँ आप जमजम डालते हैं, हम गुनाह में दोनों बराबर हैं या आप ज़्यादा पक्के मोमिन हैं? दूध में कराची का सादा पानी मिलाएं तो भी वो बेईमानी है और अगर दूध में जमजम मिलाएं तो भी वो बेईमानी है। हालांकि रसूल सल्लम ने फरमाया जो शख्स जमजम को पेट भरकर कोई मुराद दिल में रखकर पिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से उसकी मुराद को पूरा कर देता है। आप भले ये हदीस भी जहन में रखकर दूध में जमजम डालें तो भी बेईमान कहलाएं। तो ये कहना कि पढ़ा तो कुरान ही है, मैंने भी जमजम ही डाला है, कौन सा गुनाह का काम किया, जमजम ही डाला है, क्यों बेईमान कहते हो, जमजम डाला है। दूसरी बात यह है कि ये चीज़ जो हलाल और हराम होती है, कुरान या गैर कुरान उसे हलाल या हराम नहीं करता। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, आपने कभी मुर्गी ज़िबा की हो, गाय बकरी ज़िबा की हो, आप ज़िबा करते वक्त मुसलमान क्या अल्फाज पढ़ते हैं?
बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। आप जब छुरी चलाते हैं ये तकबीर पढ़कर, आप में से कोई शख्स हाफिज़ है, आप कहते हैं, वो हाफिज़ साहब कहते हैं कि यार ये बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर तो वो पढ़े जिसे कुरान ना आता हो, मुझे तो कुरान आता है। अब वो पूरी सूरह यासीन, सूरह मुजम्मिल, सूरह मुद्दसर, सूरह रहमान पूरी पढ़कर फिर उस मुर्गी को ज़िबह करे, ईमानदारी से बताइए मुर्गी हलाल है या हराम है? हराम है, हालांकि उस पर कुरान पढ़ा गया है। अब उसे कुरान ने हराम नहीं किया, उसे कुरान ने हराम नहीं किया, हराम किस चीज ने किया कि ये जो बिस्मिल्लाह वल्लाह अकबर पढ़ना था ये भी हलाल नहीं करता। अगर बिस्मिल्लाह वल्लाह अकबर हलाल करता होता तो आप कुत्ते को ज़िबा करते वक्त ये पढ़कर देखें, कभी हलाल नहीं होता। आप कुत्ते पर ये तकबीर पढ़ें तो कुत्ता हलाल होगा? नहीं होगा। अगर ये अल्फाज हलाल करते तो उस जानवर को हलाल करते जो हराम है। गाय बकरी मुर्गी तो हमारे मजहब में पहले हलाल है, तो गोया तकबीर हलाल नहीं कर रही, हलाल कर रही है शरीयत। अब वो शरीयत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है कि आपने फरमाया जानवर को ज़िबह करते वक्त तुम्हें ये अल्फाज कहने हैं। अब हलाल क्यों हो रही है? सुन्नत की मुताबकत की वजह से। जिसने कुरान पढ़ा है वो हराम क्यों हो रही है? सुन्नत की मुखालफत की वजह से। अब खाना जब पक जाए, आगे आ जाए, तो रसूलुल्लाह सल्लम ने उसकी जो दुआ बतलाई, जैसे ज़िबह की दुआ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर है, खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाह है, आपने वो बतलाई। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खाइए, आप क्यों दूसरे लंबे चौड़े चक्रों में पढ़ते हैं? तो ये सुन्नत की मुआफ़त और सुन्नत की मुखालफत ये उसे हलाल और हराम करती है। तो यही चीज़ उसके अंदर है कि खाने के ऊपर जब आप ये सूरतें या कोई चीज़ें पढ़ते हैं तो वो सुन्नत की मुखालफत में आती हैं, इसलिए वो चीज़ बिदत है। जनाब फजीलत शेख, बाज टीवी चैनल पर जो प्रोग्राम आते हैं उनमें इस्तखारा जैसा एक प्रोग्राम है जिसमें फौरी तौर पर इस्तखारा करके बतलाया जाता है, तो इसके बारे में शरी हसीयत से कुछ बयान फरमाइए। पहली बात तो ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को इस्तखारे की दुआ सिखलाया करते थे। सहाबा कहते हैं कि हमें इस्तखारे की दुआ इतनी एहतमाम से अल्लाह के रसूल सिखलाते जिस तरह कुरान मजीद एहतमाम से सिखाते थे, उसी एहतमाम से हमें इस्तखारे की दुआ सिखलाते। अल्लाह के रसूल सल्लम ने पूरी ज़िंदगी कभी भी किसी सहाबी का इस्तखारा नहीं किया, और रसूलुल्लाह सल्लम के 23 साल दौरे नबूवत की ज़िंदगी में कभी भी किसी सहाबी ने अल्लाह के रसूल के पास जाकर ये नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे शादी करनी है, दो लड़कियां सामने हैं, मेरे फ्यूचर के लिए कौन सी सही रहेगी, आप इस्तखारा करके बताइए, मैं इंजीनियरिंग करूं या डॉक्टरेट करूं, इन दोनों में कौन सा मेरे फ्यूचर के लिए सही रहेगा, आप ज़रा इस्तखारा करके बताइए। कभी किसी सहाबी ने अल्लाह के रसूल से ये नहीं पूछा, बल्कि दुआ सीखी और इस्तखारे खुद किए। ये जो मौलवियों से इस्तखारे करवाते हैं ना, लोगों ने बड़े कई तरीके रखे हुए हैं इसके। बाद इस्तखारे ऐसे हैं कि जी अभी अभी जवाब मिलेगा, बाद ऐसे हैं 5 घंटे में, और उनके रेट्स अलग हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर 100 रुपया दे के जाएंगे, 1 महीने बाद आना भाई, इस्तखारा करके रखेंगे 1 महीने बाद आना, और अगर आपने 5,000 रुपये दिए हैं तो 1 हफ्ते बाद पता चल जाएगा, अगर आपने 10,000 रुपये दिए हैं तो आज पता चल जाएगा, आपने 25,000 रुपये दिए हैं तो अभी पता चलेगा। भी ये कैसी डायरेक्ट डायलिंग है, अल्लाह रब्बुल आलमीन नऊज़ बिल्ला, उनका कोई मोहताज बैठा है कि ये जब दाढ़ी मुंडे मुछ डंडे जब चाहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से काल मिलाएंगे, अल्लाह बता देगा हाँ ठीक है, और ये कहेंगे ठीक है। और ये जो दूसरों से इस्तखारे करवाते हैं इसमें इतनी कबाहत है। बिल्कुल सच्चा वाक्या है, कराची शहर के अंदर मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की मंगनी अपने भाई के बेटे के साथ बचपन से की हुई थी।